काफी वायरल हो चुका है प्रोमोश, क्या कहना चाहोगे? 26 तारीख के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? नया शो आता है यार, एक्साइटमेंट तो होती है, नर्वसनेस भी होती है। इस शो के लिए पर्टिकुलरली ज्यादा नर्वसनेस है, क्योंकि देखो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको लगता है कि कैसे रिसीव किया जाएगा बाय ऑडियंसेस। सो बट लाइक वी आर कॉन्फिडेंट समवेयर, बट हम लोग एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है। इट्स अ वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट, बहुत ही फ्रेश है। आज के जमाने का शो है, बहुत ही कैरेक्टर्स बड़े यू नो रिलेटेबल हैं। जो सबके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं शो में वो भी बड़े कमाल के हैं, देखने वाली बात है मतलब। एंड आई थिंक द स्टोरी ऑफ द शो विल रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ ऑडियंस। धीरज जी, आप क्या कहना चाहो? काफी डिफरेंट किरदार लग रहा है, आपके जो रियल लाइफ का किरदार उससे काफी डिफरेंट मुझे लगा। आप कुछ कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? ये भी थोड़ा सा, मैंने आज तक अपने करियर में 14 साल के करियर में कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया। आई एम प्लेइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन इन द शो, और यू नो जैसा सुनील ने कहा कि डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, डिफरेंट स्पेस है फॉर द शो। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी न्यू एज शो, वेरी डिफरेंट ओटीटी स्पेस काइंड ऑफ शो। वी आर टैपिंग द यंग मार्केट, यू नो यंग ऑडियंस, बट शो सबको पसंद आएगा, हर उम्र के बंदे को पसंद आएगा, क्योंकि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन माई फादर विद मी, हर फादर विद हर, वो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द शो, दैट्स अ सेलिंग पॉइंट ऑफ द शो। और वही हम लोग दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से थोड़ा सा अलग स्पेस में जाके, कि ऑफिस स्पेस है सबसे बड़ी बात, ऑफिस सेटअप है, ऑफिस रोमांस है। सो आई थिंक ऑडियंस इज गोना लव इट। टेलीविजन की बात की जाए तो टेलीविजन सीरियल्स में जो भी मतलब सीरियल्स आते थे पहले, जैसे साउथ पोल ड्रामा हो या फिर माइथोलॉजिकल, तो ये शो मतलब कि काफी अलग दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मतलब ये आने आगे एपिसोड्स में जो है कुछ ऐसे साथ में होगा, कुछ हो ऐसा कुछ है। Why not? I mean, अगर that will work for the show, why not? I mean, we always try to make different content. और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ audience को पसंद आई, think at the end of the day, audience is God. हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं, उन्हीं को उनकी जो पसंद है उसी के हिसाब से हम शो बनाते हैं। और आई थिंक मैंने जैसा पहले कहा, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, दिस इज़ अ ऑफिस सेटअप, ये ऑफिस रोमांस है, हम दोनों की तकरार है, हम दोनों की जो मेंटेनेंस है इन अ गुड वे आई एम टॉकिंग अबाउट, वो शो की USP है। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स, आई थिंक दैट्स अ USP ऑफ द शो। आप शूटिंग का तरीका भी देखोगे, आप जब शॉट वाइज भी देखोगे, लाइटिंग वाइज भी देखोगे, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। हम ये शो अपने लिए बना रहे हैं, आई डोंट थिंक एनी बडी इज गोइंग टू सकम टू दैट प्रेशर।